सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में संस्कृत शिक्षा भाग दो की उत्तर पत्रिका की सीरीज में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये संस्कृत शिक्षा नाम की पुस्तकें पांच भागों में उपलब्ध होती है। पांच भाग है, संस्कृत शिक्षा एक, संस्कृत शिक्षा दो, तीन, चार, पांच। ये पांच पुस्तकें हैं। इन पांचों पुस्तकों को पूरा मैंने यहाँ YouTube चैनल पर पढ़ा दिया है। सभी कक्षाएं आप सभी के लिए निःशुल्क हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, संस्कृत शिक्षा एक करके सर्च कीजिएगा, इसमें पहले भाग को पढ़ाई गई सभी कक्षाएं उपलब्ध हो जाएंगी। इसी प्रकार से बाकी के शेष चार भागों के भी सभी अभ्यास पढ़ा दिए गए हैं। साथ में इसकी उत्तर पत्रिका भी तैयार की जा रही है। प्रथम भाग के उत्तर पत्रिका तैयार है, जिसके लिए लिखा होगा संस्कृत शिक्षा उत्तर पत्रिका भाग एक। अब हम द्वितीय भाग की उत्तर पत्रिका को तैयार कर रहे हैं। इसकी चार कक्षाएं हो चुकी हैं, आज पांचवें अभ्यास की उत्तर पत्रिका में आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसी प्रकार से आपको पांचों भागों की उत्तर पत्रिका शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी और आप आराम से संस्कृत भाषा को सीख सकेंगे। जो भी पाठक महानुभाव इन पुस्तकों को मंगाना चाहे, क्योंकि कक्षा को पढ़ते हैं तो पुस्तक का होना अनिवार्य है, तो इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने घर पर ही बैठे बैठे पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। devvani.sanskritam.com ये वेबसाइट है, यहाँ से आप इन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं न्यूनतम मूल्य पर। आपसे एक पैसा भी अधिक नहीं लिया जाएगा, ठीक है। देववाणी संस्कृतम, ई गुरुकुलम हरिद्वारम के ये अन्य भी सोशल गुरुकुल हैं, इनसे भी आप जुड़ जाइएगा। यहाँ प्रतिदिन हम संस्कृत की सामग्री को शेयर करते हैं और ये निःशुल्क अभियान चलता है आप सभी के सहयोग से। मित्रों, आप सभी से हम ये भी निवेदन करेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए इस टीम के साथ में मुझे 35,000 से 40,000 रुपए प्रति माह खर्च करना पड़ता है, तब ये अभियान चल रहा है। हम सरकार से कोई सहायता नहीं लेते हैं, ये सब सहायता सब सहयोग आप सभी के माध्यम से होता है संस्कृत के महान यज्ञ को संचालित करने के लिए। मित्रों, तो आपसे निवेदन है कि आप स्वेच्छापूर्वक अपना आर्थिक सहयोग हमें अधिक से अधिक देते रहें संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए। अकाउंट नंबर दिया गया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये नंबर दिया गया है, और अपना सहयोग प्रदान करके हमें सूचित अवश्य करें। चलिएगा, मैंने चार अभ्यास की आंसर शीट बना दी है। मित्रों, आज मैं आपके लिए पांचवें अभ्यास की आंसर शीट बनाने जा रहा हूं। ये अभ्यास आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, भाग से संस्कृत शिक्षा भाग दो प्लेलिस्ट में देखिएगा। ये गृह कार्य आदि जो इसमें यहाँ पर उदाहरण आदि दिए हैं, इसमें ये गृह कार्य है, गृह कार्य का मिलान करना है। आइएगा मिलान करते हैं। गुरु विद संस्कृत बनाओ, ये इन्होंने काम दिया है, डॉक्टर कपिल देव जी इसके लेखक है। गुरु विद्यालय जाएगा, गुरु विद्यालयम गमिष्यति, छात्र घर जाएंगे, छात्राः गृहं गमिष्यन्ति, सूर्य सवेरे उदय होता है, भानुः प्रातः उदेति, चंद्रमा रात में उदय होता है, इंदुः नक्तम उदेति, सज्जन सत्य ही बोलेगा, साधु सत्यम एव वदिष्यति, राम कृष्ण के साथ खेलेगा, रामः कृष्णेन सह क्रीडिष्यति, हवा चलेगी,
वायुः चलिष्यति, देवदत्त गेंद से खेलता है, देवदत्ता कंदुकेन क्रीडति, कृष्ण कलम से लिखता है, कृष्ण लेखन्या लिखति, मैं प्रातः घूमने के लिए जाऊंगा, अहम प्रातः भ्रमणार्थम गमिष्यामि, श्याम पिता के साथ बगीचे में जाएगा, श्यामः जनकेन सह उपवनम गमिष्यति। ये अनुवाद बनाने के लिए दिए थे, उसका मैंने मिलान करा दिया आपका, जहां पर भी आपकी गलती है उसको ठीक कर लीजिएगा। आगे इन वाक्यों को शुद्ध करो। लिखा हुआ ते पुस्तकम पठिष्यति, तो गलत है, पठिष्यति नहीं होगा, ते पुस्तकम पठिष्यन्ति, क्योंकि ये एक वचन है, कर्ता बहुवचन है, तो ये बहुवचन होना चाहिए, तो बहुवचन कर दिया, ठीक है। त्वं जनकस्य सह गृहं गच्छ, तो ये गलत है, जनकस्य नहीं होगा, सह के योग में तृतीया होती है, त्वं जनकेन सह गृहं गच्छ, अहम लेखम लेखिष्यामः, ये भी गलत है, क्योंकि ये एक वचन है, सिंगुलर है, और ये प्लूरल कर दिया, तो क्या होगा सही, अहम लेखम लेखिष्यामि, यूयम क्रीडिष्यसि, गलत है, क्यों, ये बहुवचन है और ये एक वचन कर दी क्रिया, सही क्या होगा, यूयम क्रीडिष्यथ। नीचे लिखा है कि इन धातुओं के लिट प्रथम पुरुष एक वचन के रूप लिखो, ठीक है, लिट लकार का, तो लिख का लेखिष्यति, पट का पठिष्यति, गम का गमिष्यति, दृश का द्रक्ष्यति, और खाद का खादिष्यति, वद का वदिष्यति। चलिएगा मित्रों, ये अभ्यास तो हमने बहुत पहले ही पढ़ाए हैं, काफी समय हो गया, पर वह आंसर शीट बना रहे हैं, तो इसलिए दिनांक आंसर शीट की जो दिनांक है आपकी, वो दिनांक है आपकी आज 6/6/2022, और पढ़ाने वाले हम ही है, आपका काम भी चेक करने वाले हम ही है, ठीक है, आचार्य श्रवण कुमार। ठीक है, तो अब आगे छठवें अभ्यास के साथ मिलते हैं, अपने गृह कार्य को चेक करते रहिएगा, पहले मिलान कीजिएगा, फिर पहले पढ़िएगा अभ्यासों को, फिर अपने गृह कार्य का मिलान कीजिए। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।